संकीर्तन, ये आज हम आपको बताएंगे और धुन बड़ी प्यारी सी है, आप लोग गेस करिएगा, अभी हम आगे बताएंगे। स्वर कौन कौन से लग रहे हैं ये देख लीजिए। तो नी और धा कोमल लग रहे हैं, नी धा कोमल लग रहे हैं, मंद्र में भी पा तक हम जा रहे हैं, और इधर गा कोमल लग रहा है। तो गा धा नी कोमल, ये कह सकते हैं कि था टा सवरी पर बेस्ट है ये। स्टार्ट क्या है, स्टार्टिंग इसका जो स्थाई शुरू करते हैं, पा से चलता है। राम में कितने स्वर लग गए, राम जय श्री राम, रे सा सा। ये स्थाई की लाइन हो गई, स्थाई में एक लाइन और चलती है, जय श्री राम। देखें, जय पापे हो गया, श्री मापा राम। राम में इस बार भी क्या लगा, राम धापा मगपा धापा मगपा राम धापा मगपा। ठीक है, ये हो गया क्या, जय श्री राम जय श्री जय श्री, है ना, मा जय श्री मदर सा जय श्री राम जय श्री। तो श्री में एक इकार भी लगता है तो रे तक आते हैं, जय श्री, जय में लग गया मा का और श्री में लग गया रे सा रे, जय श्री राम। इस बार राम में कितने स्वर लग गए, राम राम स्थाई कंप्लीट हुई। देखें, बात करते हैं अंतरे की, क्या है, जय श्री राम जय श्री राम। देखें अंतरे का नोटेशन क्या होगा, जय पासा जय पासा जय श्री, श्री भी सा पे है तो पासा सा राम राम निधा पमा, जय जय में फिर मापा जय श्री जय श्री, जय में पामा, श्री में श्री मगम राम राम पधा निधा पा। नी का कण है, नी हल्का सा टच हो रहा है, बस इतना सा अंतरा चलता है, उसके बाद स्थाई की सेकंड लाइन फिर चलती है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, और फिर स्थाई की लाइन स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ऐसे ही तमाम वीडियोस मिलते रहेंगे।